दोस्तों स्वागत है, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया जानती है जल ही जीवन है, पानी के बिना ये संसार अधूरा है और इस समय हम उसी बेशकीमती पानी के किनारे हैं। ये बेहद चर्चित जगह है, ये मालवा का मिनी गोवा है। 19 जुलाई को हम यहाँ पहुँचे थे और हमने रिपोर्टिंग की थी और बताया था कि मालवा का मिनी गोवा बेहद खूबसूरत जगह है। इस रिपोर्टिंग के बाद हज़ारों सैलानी यहाँ मिनी गोवा पहुँचे, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना काल के चलते प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। अब मिनी गोवा का यह तट सूना है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। मिनी गोवा के हर तरफ पुलिस का पहरा है। क्योंकि मिनी गोवा के इस तट पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी, हज़ारों सैलानी यहाँ आ रहे थे, जिसके चलते प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। कौला गांव भानपुरा से 12 किलोमीटर दूर है और कौला गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर यह चंबल का किनारा है। चंबल में जब उफान होता है, जब बारिश होती है, तो चंबल का यह किनारा कौला गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन इस समय एमपी में उतनी बारिश नहीं है, इसलिए इस बार चंबल की ये डूब खाली है। बेहद लंबा यह चंबल का किनारा है। पूरी चंबल नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है, इतना बड़ा सपाट किनारा कहीं पर भी नहीं है। कौला गांव के नज़दीक से जब चंबल निकलती है, और ये जो जगह है, इस जगह की बेहद ख़ास बात यह है कि इसके किनारे आम तौर पे नदियों के किनारों पर गाद होती है, कीचड़ होता है, लेकिन कौला गांव के नज़दीक चंबल का जो ये किनारा है, यहाँ पर पथरीली ठोस ज़मीन है, जिसके चलते आप बेहद आसानी से पानी तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सबसे ख़ास बात है कि कई बड़े टीले हैं, बड़ी चट्टाने हैं, और इन चट्टानों पे आप बैठ करके पानी का नज़ारा देख सकते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ बेहिसाब पानी है। ये चंबल का अद्भुत नज़ारा है, बेहद शानदार पार्ट है। यहाँ बैठ के ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र के किनारे हों या फिर गोवा के तट पे हों, इसीलिए इसका नाम मिनी गोवा रखा। लोग अब इसे मिनी गोवा के नाम से ही जानते हैं और मालवा में ये बेहद खूबसूरत जगह में इसका शुमार होने लगा है। चंबल नदी से दुनिया वाकिफ है, गांधी सागर बांध से भी वाकिफ है। जिस जगह हम बैठे हैं, इसके 50 किलोमीटर बाद गांधी सागर डैम है। चंबल का यह पानी यहाँ से गांधी सागर डैम में जाता है और वहाँ से गेट खुलने के बाद राजस्थान के राणा सागर में जाता है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट विनोद सिंह। विनोद सिंह, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर बेहद पुराने आंचलिक पत्रकार हैं, लंबे समय से भानपुरा, गरोट और शामगढ़ अंचल में पत्रकारिता करते रहे हैं। विनोद सिंह, कौला हम आए थे और मिनी गोवा को हमने रिपोर्ट किया था जी। उसके बाद यहाँ हर दिन सैकड़ों सैलानी आने लगे थे, क्या स्थिति हुई थी उनकी? सर, वॉइस ऑफ एमपी की जब टीम आई, इस सुनसान जगह को जब दिखाया गया कि ये किस प्रकार से इसकी यह जो अद्भुत विरासत है, इसको जब वॉइस ऑफ एमपी ने दिखाया तो चैनल के माध्यम से, तो जब यहाँ शासन और प्रशासन को पता चला और यहाँ के स्थानीय और पास के से लगा हुआ राजस्थान के झालावाड़ और कोटा, रामगंज मंडी, इस क्षेत्र को पता चला तो काफ़ी सैलानियों की यहाँ भीड़ उमड़ने लगी। वहीं कोरोना काल में भी ऐसी भीड़ देखने को मिल रही थी कि जैसे कि लोग वास्तविकता में यहाँ पर मिनी गोवा में ही आए हैं। और यहाँ पर इतना कोरोना काल होने के बावजूद भी सैलानी हज़ारों की संख्या में, यहाँ ट्रैफिक लगना, ऐसे करके तमाम तरह की यहाँ पर छोटी छोटी
आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने व्यवसाय के तौर पे यहाँ पर होटलें भी खोल ली थी, पर जैसे ही प्रशासन को पता चला स्थानीय, तो तब उन्होंने फिर इसका संज्ञान लेते हुए यह 10 से 12 फीट के यहाँ पर बड़े बड़े टीले टाइप पत्थर हैं और पथरीली ज़मीन है यहाँ पर, और इस अद्भुत नज़ारा और काफ़ी हेक्टेयर तक पानी इसमें भरा हुआ है। विनोद सिंह एक और बात बताएं कि यहाँ पर कुछ पुराने जो घोंसले हैं वो उनकी क्या है? गोरैया के यहाँ पर जो पत्थर हैं, इस पत्थर के अंदर काफ़ी सैकड़ों की संख्या में गोरैया निवासरत हैं और यह गोरैया इस मिनी गोवा की शोभा बढ़ाती हैं कहीं ना कहीं, और गोरैया के साथ साथ यहाँ पर आदि मानव काल का रॉक पेंटिंग भी देखने को मिलता है, जो यहाँ मिनी गोवा में अपने आप में चार चांद लगाता हुआ दिखता है। विनोद सिंह, काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, जो रॉक पेंटिंग की बात बताई है, और ये जो इलाका है ख़ास तौर पे जो भानपुरा गरोट या इस तरफ हिंगलाजगढ़ भी है जी, तो इस जगह की एक बड़ी खूबी है ये। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब मिनी गोवा को हमने रिपोर्ट किया और ये जब पूरा मामला सार्वजनिक हुआ, तो यहाँ के स्थानीय विधायक ने जो देवीलाल जी धाकड़ है, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के जानकारी में, पर्यटन विभाग की जानकारी में कोई चीज़ डाली है? हाँ, जैसे ही वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने यहाँ को इसको उठाया, इस स्पॉट को, उसके बाद क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ तुरंत इस चीज़ को ध्यान में लेते हुए उन्होंने तुरंत उषा ठाकुर पर्यटन मंत्री से बात करी और इस स्पॉट को उन्होंने कहा कि तुरंत इसको पर्यटन के जो अधिकारी हैं उनको दिखाकर इसको डेवलप किया जाए, और इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छा नज़ारा होने के कारण इस क्षेत्र को तुरंत संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट विकसित किया जाए पर्यटन का, मध्य प्रदेश पर्यटन। विनोद सिंह, आप काफ़ी अरसे से पत्रकारिता से जुड़े हैं, इस पूरे अंचल में आप घूमते हैं और पत्रकारिता का कार्य करते हैं, चंबल का किनारे पे ही आपका गुजर बसर होता है लंबे समय से, तो ये इतनी खूबसूरत जगह थी, मीलों पानी फैला हुआ है इस चंबल का, तो यहाँ के स्थानीय लोगों की इससे पहले निगाह नहीं गई? यहाँ की स्थानीय, कहीं ना कहीं स्थानीय नेतृत्व की भी इसमें कमी रही है। जब ऐसी स्पॉट होते हुए भी, ऐसा पर्यटन स्थल होते हुए भी वह ध्यान नहीं दे पाए, जैसे ही टीम ने देखा और यहाँ का जैसे ही चलाया, लाइव चलाया, उसके बाद से ही यहाँ के स्थानीय नेताओं और लोगों ने इस पर ध्यान दिया। विनोद सिंह, अभी चूंकि इस समय बारिश कम है, वो जो चंबल के किनारे हैं वो कौला गांव से दूर है जी, जब खूब बारिश होती है तो मैं समझता हूँ ये डूब भर जाया करती होगी और कौला गाँव तक पानी जाता होगा जी, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे सुरक्षा के उपाय भी ज़रूरी हैं, अगर सैकड़ों सैलानी रोज़ यहाँ आएंगे तो कोई कैजुअल्टी भी हो सकती है बिना प्रशासन की मौजूदगी के या बिना तैराकों की मौजूदगी के। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय गोताखोर और इनकी का अभी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए, और फिर लॉकडाउन लग रहा है इस कारण से प्रशासन ने ध्यान में रखते हुए धारा 144 यहाँ पर लागू करी है, और इसको भी नापा नहीं गया कि कैसे क्या है, यहाँ के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भी ये नहीं देखा कितना किस जगह गहरा पानी है, जब ये थोड़ी सी और पानी अगर टूटता है चंबल का तो उसके बाद ही यहाँ के जो डेवलपमेंट करने जो अधिकारी आएंगे वही इस पे गौर कर पाएंगे कहाँ पर इसको विकसित करना। विनोद सिंह, एक और यहाँ को, यहाँ इसको लेकर एक बड़ा एक बात चलती है जो मेरे यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे मगरमच्छ है। हाँ, घड़ियाल और मगरमच्छ की संख्या भी इस डैम में काफ़ी है क्योंकि यह काफ़ी पुराना 1900 के आसपास बना है ये डैम, तो घड़ियाल और मगरमच्छ की संख्या यहाँ पर अधिक है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी आए दिनों यहाँ पर, एक चीज़ तो देखी जा सकती है कि जो जानवर हैं, पालतू जानवर बकरी, अभी कुछ समय पहले भी बकरी पे यहाँ पे हमला किया गया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी इसको खुला नहीं किया गया है, इसको रोका गया है पर्यटकों के। बड़ी ख़ास बात विनोद सिंह ने भी बताई है और ये कहा है साफ तौर पर कि यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे इस चंबल के इस पानी में क्रोकोडाइल और मगरमच्छ है, और वह जो आसपास के जो किसान हैं जिनके मवेशी यहाँ चरने आते हैं, उन मवेशियों को
वो अपना निशाना बनाते हैं, उनको शिकार कर लेते हैं, तो सैलानी यहाँ आने लगे हैं ये पानी में, तो एक ख़तरे की बात है। जब तक कि प्रशासन यहाँ माकूल इंतज़ाम ना करे और पुख्ता व्यवस्था यहाँ ना करे, जैसा कि मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ चोरी छिपे आ रहे हैं, मिनी गोवा, चूँकि यहाँ अंदर आने के कई चोर रास्ते हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल लोग करते हैं और यहाँ आकर जो है पानी का आनंद उठा रहे हैं। तो पानी का आनंद उठाने में किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन ये संवेदनशील मामला है। यदि कोई जानवर या मगरमच्छ या क्रोकोडाइल यदि हमला कर देता है तो हो सकता है कि कोई कैजुअल्टी हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए और जिससे बड़ी दिक्कत आ सकती है, और जिसे कई, चूँकि बच्चों में ज़्यादा उत्साह होता है कि वो पानी में जाते हैं, नहाते हैं, तैरते हैं। निश्चित तौर पे मिनी गोवा जिसे हमने कहा है, जो ये चंबल का किनारा है, ये बेहद खूबसूरत जगह है, बेहद लाजवाब जगह है, और इसका अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये पर्यटन स्थल बने उसके लिए ज़रूरी है कि ज़िला प्रशासन और सरकार यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं करें, ख़ास तौर पे सुरक्षा इंतज़ामों की, तैराकों की। जैसा कि अभी विनोद हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जब हमारी रिपोर्ट के बाद जब सैकड़ों सैलानी यहाँ पहुँच रहे थे तो यहाँ काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगे थे चाय के और अन्य चीज़ों के, जो बाद में धारा 144 लगने के बाद उनको हटाया गया है। तो इस समय कंवला का जो एक तट है, चंबल का जो किनारा है, ये सूना है, यहाँ पे सैलानियों को आने से रोक दिया गया है। प्रशासन ने धारा 144 यहाँ लगा रखी है और सही भी है। इस समय मालवा जो है बारिश के मुहाने हैं, वैसे इतनी बारिश इस समय मालवा में नहीं है, और चंबल का जो किनारा है ये सिमटा हुआ है, नहीं तो चंबल का यह पानी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कंवला गाँव तक पहुँच जाता है। मेरे सहयोगी विनोद मेरे साथ है। विनोद, ये जो जगह है इसकी और क्या खासियत है? ये जो बड़ी चट्टाने हैं, जो जिस तरह की खूबसूरत, जो इस तरह जैसे लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग बना के ब्रश से उकेर दिया हो, काफ़ी साल पुरानी पेंटिंग है ये, आदिमानव के काल की बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं वास्तविकता में है भी सही। आज अगर ये ऐसी पेंटिंग होती तो काफ़ी साल या 2 साल बाद वो खुल जाती, पर ये आदिमानव काल की पेंटिंग है, कहीं ना कहीं इसके अवशेष हैं, और आदिमानव, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आदिमानव इस जगह आए होंगे, रहे होंगे, उन्होंने अपना अज्ञातवास काटा होगा, और उसी के चलते यहाँ पर सर्दी के मौसम में काफ़ी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पंछी विदेशी पर्यटक पंछी यहाँ पर आते हैं और देखने को मिलता है। अगर यह डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं वो विदेशी पर्यटक देखने का, पर्यटकों को भी मौका मिलेगा। तो विनोद ने बड़ी ख़ास बात बताई है, और उन्होंने कहा है कि ये जो यहाँ जो जगह है, यहाँ पे सर्दियों के मौसम में विदेशी पर्यटक भी आते विदेशी पक्षी भी आते हैं और उनको भी लोग देखने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जिस तरह की रॉक पेंटिंग्स है, गोरैया के जो घोंसले हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। और तो मैं आपको बता दूँ, ये गोरैया के जो घोंसले आप देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत दिखते हैं ये, और ये कई सालों से, लंबे समय से यहाँ बने हुए हैं, और आपने देखा उसमें से एक गोरैया निकल के जिस कैसे निकल के गई है, बेहद खूबसूरत जगह है। और आवश्यकता इस बात की है कि इस जगह का डेवलपमेंट्स हो, सरकार की नज़र यहाँ पर पड़े और ये पर्यटन स्थल बने और सुरक्षित पर्यटन स्थल बने, ताकि जब यहाँ सैलानी आए तो वो सैलानी यहाँ आकर उसका पूरा लुत्फ़ उठा सके, आनंद उठा सके, और यहाँ आकर इसका अनुभव कर सके, इस खूबसूरती का। तो ये थी हमारी आज की अपडेट, और चंबल के किनारे मिनी गोवा का जो ताज़ा अपडेट है हमने आपको दिया। उम्मीद करते हैं जब कोरोना से हमारे प्रदेश को मुक्ति मिलेगी और लॉकडाउन ख़त्म होगा तो यह पर्यटन स्थल भी आम लोगों के लिए खुलेगा, लोग यहाँ आकर यहाँ के इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठा पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे, और चंबल के बेहद मीठे पानी में वो डुबकियाँ लगा पाएंगे।
पर आवश्यकता इस बात की है कि ये पर्यटन सुरक्षित हो, सरकार यहाँ पर सैलानियों की सुरक्षा के माकूल इंतज़ाम करे, लोगों के आने का इंतज़ाम पूरा करे, तैराकों की व्यवस्था करे, तब जाकर मिनी गोवा की इस जगह का सैलानी लुत्फ उठा पाएंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। हर ऐसे नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा बन सकें। जय हिंद, जय भारत।